तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ दाम एरिया में, जो कि सपोजिटली बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्के वाला जगह होना चाहिए, बट कोई है नहीं यहाँ पे। एंड दोपहर में एक स्पेशल इंसान मुझे मिले थे, जो मुझे अभी पता चला कि इतने टैलेंटेड हैं। इन्होंने मेरे को स्पॉट किया था। सो डेविड इनका नाम है, डेविड कुमार सिंह के नाम से आप इनका चैनल सर्च कर सकते हैं। इनके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने इनका म्यूज़िक भी सुना, तो ही इज़ लाइक ऑल राउंडर। ये वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो तो मैंने बहुत बाद वाली चीज़ बोल दी, कंपोज करते हैं, बीट्स बनाते हैं, गाते हैं, फिर पता नहीं कुछ कुछ बहुत सारा करते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं, और एकदम मस्त बढ़िया टैलेंटेड इंसान है। तो मिलके बड़ा अच्छा लगा एम्स्टरडम में किसी से, क्योंकि मेरे अभी तक यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मेरे को पाँच दिन हुए हैं आए हुए, तो इसलिए मैं अभी बस थोड़ा अभी जाएंगे भाई बियर पीने जाएंगे। तो और कुछ बता दो अपने बारे में आप। कुछ क्या बताऊं यार, मैं तो यहीं रहता हूं। हाँ भाई, ब्लॉग बना रहे हैं, मैंने देख भाई को, मैंने सोचा अपना इंडियन वाला भाई है, तो एक बारी इंडिया में थोड़ा प्रमोशन हो जाए। नहीं, वैसे प्रमोशन तो ये मेरा करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि 73K सब्सक्राइबर्स है, बाप रे, तो काफ़ी सही है। पर एकदम ऐसे अच्छा लगा यहाँ मिलके किसी से, तो मैं जब भी क्या कहते हैं कोई इंडियन बंदा देखता हूँ, सोचता हूँ कि भाई बात कर लूँ, क्योंकि बताइए अपने ये सीन बनना में जाते हैं। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है, बहुत प्यारी जगह है ये। तो क्या इसके अंदर भी जा सकते हैं या क्या है इसके अंदर? मैं तो भाई गया ही नहीं हूँ, मैं फालतू चक्करों में नहीं पड़ता। काफ़ी कुछ है, बट हाँ लोग नहीं निकले हैं यार। मतलब रिवेंज ट्रैवल का मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था, बट कुछ हुआ नहीं, मतलब खाली पड़ा रहता है सब। खाली तो, भाई जब से कोरोना चला है ना, जब से ऐसे ही हो गया है। हाँ बट रेस्ट्रिक्शंस तो अभी अभी वो हुए हैं ना, अभी यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। अच्छा है, सही है। यहाँ पे बाहर मास्क तो नहीं पहनना ना, मैं सुना यहाँ बाहर मास्क नहीं पहनना पड़ता, तो इसलिए मैं बाहर नहीं, अंदर तो पहनना पड़ता है ना। वो ट्रैम वैम में, अभी मैं ट्रैम में चढ़ा था, तो एक वो बंदा बोलता है कि वेयर योर मास्क, मेरे को लगा वो टैप करने बोल रहा है, लेकिन फिर मेरे को बाद में उसका आवाज़ समझ में आया कि मास्क पहनना है। तो ट्रैम में मास्क पहनना इम्पोर्टेंट है बेसिकली, बाकी जगह नहीं। मगर वो भाई, अरे ये क्या हो गया, पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ लिया भाई। ओ एकदम बाजू में कर लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है अपने को भी निकलना चाहिए, क्योंकि हम दो इंसान खड़े हैं। अरे भाई अपन इनकी भाषा बोलता है, हमें कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको डच आती है? पक्की भाई, तभी तो। अरे हाँ तभी तो, ऑब्वियसली। वाह, तो कुछ बोल दो डच में अच्छा खासा। क्या बोल, कुछ भी बोल दो, कैसे भी किसी को समझना तो है नहीं। अरे समझने के तो गलत कोई ना बोलूंगा मैं भाई। हाँ ठीक है, हाँ बोल दो। ए कोई ना, वो नलम मालिक बिन दाविद एंड आई बिन विद माय न्यू फ्रेंड, व्हाट इज योर नाम? राज ऋषि या सॉरी राज ऋषि एंड इट इज एक्लोग मैं इमन और ऑन्ट मुता एंड चिला चाओ। मेरे को बस थोड़ा बहुत समझ में आया कि एक नए दोस्त से मिलो जिसका नाम है राज ऋषि, हु इज चिल, बस दैट इज ऑल आई गॉट। कहां से सीखी आपने? खुद भाई, इंडियन है हम, खुद ही सीख लेते। कितना टाइम लगा आपको इतना फ्लुएंटली बोलने में? वैसे मैंने सीख तो 3 महीने में ली थी, क्योंकि मुझे एग्जाम वगैरह देना था। मगर अब मैं यहीं रहता हूँ, मैं यार मैनेजर की जॉब करता हूँ, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा इनसे। तो आपने यहाँ आने के पहले डच सीखी कि आपको यहाँ आना था इसलिए? आने से पहले। अच्छा, तो डच सीखने के बेसिस पे आपको एंट्री मिली या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके चलो, सो ठीक है, अब हो गया इंट्रोडक्शन वगैरह, तो अब सैल्यूट, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइस। सुबह से शायद तीसरी या चौथी बार मैं सेंट्रल आया हूँ, अब तक सेंट्रल आया था, अब सेंट्रल आया हूँ, क्योंकि इन डच भाई साहब ने मेरे को सिखाया है। मैं सोच रहा भाई क्या मेरे से बात कर रहे हो? आपसे ही कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ अंदर। जिससे ये प्रूव हुआ कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। तो हम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम लोग बढ़िया एकदम नीचे पैर फैला के बैठे हुए थे, जैसे भारत में यूजुअली स्टेशन में बैठा जाता है, क्योंकि कहीं जगह नहीं होती, और हम काफ़ी देर बैठे रहे, 15-20 मिनट तक बैठे रहे, बैठे बैठे भाई क्या कर रहे हैं? हाँ क्योंकि बाहर इनको अलाउड नहीं था पीना, क्योंकि वो इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन है, और इसलिए हम बैठे हुए थे वहाँ पे। तो हाँ, तो 15-20 मिनट बाद एक पुलिस वाला आके बोलता है, Go and sit on the bench, I'm sitting here. फिर ये लोग ये भाई साहब डच में रिप्लाई करते हैं, और उसके हाव भाव ही बदल जाता है, फिर वो कुछ तो डच में बड़बड़ाने लगते हैं बेचारे मज्यूमिंग। ओह अच्छा तुम डच बोलते हो, यहाँ क्यों बैठ रहे हो, वहाँ जाके बैठो ना, इतनी खाली जगह है, जो भी एकदम पोलाइट वे में।
एंड देन ही रिप्लाइज समथिंग एंड फिर उसके बाद मेरी तो भाई थोड़ी सी फट गई, मैं तो नया हूँ इस देश में। यहाँ पर पुलिस वालों की फटी रहती है भाई। पुलिस वालों की फटी रहती है, उल्टी लोगों की नहीं फटती। क्यों तुम्हें राइट से अपनी जिंदगी जीने का, तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी क्यों फटनी है? बात तो सही है, अब हमें आदत नहीं है ना उसकी, वहाँ पर डंडे मार देंगे ना पीछे। और क्या, बट बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़े और लोग होते विक्टोरिया होटल, और थोड़े लोग होते और थोड़ा चहल पहल होता तो बहुत मजा आता है इस जगह पे, लेकिन सब बंद हो जाता है 5 बजे। भाई भाई मुझे घुमा रहे हैं जबरदस्ती, मैं जॉब करके आया हूं, थका हुआ हूं यार, क्या है सब। मेरी छुट्टी है ना, मेरे को तो कल जाना है। आपकी तो छुट्टी है 3 दिन ना? 3 मेरी तो छुट्टी है। आज क्या संडे है ना? आज संडे है, मुझे थर्सडे को जाना है। वाह, 4 डे वर्क वीक इज लाइक ड्रीम। कभी करेंगे हम भी, करना इतना एक्सपीरियंस ले लो, फिर कंपनी तुमसे कहेगी भाई कर लेना यार। हाँ भाई भाई, अभी शुरू में तो घिसना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा, अभी अपने तेवर नहीं दिखा सकते। नहीं दिखाई ये मैंने भी सुना है, एंड मैंने ये भी सुना है यहाँ पे लाइक मेरे को खुद को ऐसे एडवाइस भी मिला है कि एक टाइम के बाद मतलब कंपनी ऐसी हो जाती है कि तुम रह के बस कर लो कुछ भी, बट रहो मतलब छोड़ के मत जाओ। अभी बता, नहीं 3 साल के बाद ना, हाँ यहाँ पर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, अच्छा परमानेंट। हाँ तो उसमें ना समझो तुम कंपनी के दमाद हो। अच्छा वो सीन अलग होता है। चलो खैर, भारत में तो अपना वैसा कुछ है नहीं, और अपन भारत वाले हैं तो वहाँ पर तो तुम्हें मारेंगे। नहीं बट स्टिल कुछ तो वैल्यू होगी यार कुछ टाइम बाद, अभी तो नया है तो हो जाएगा। बट बहुत प्यारा शहर है, और अभी मैं वैसे एडवाइस ले रहा हूँ कि यूरोप में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे डच भाई साहब बहुत सारी जगह जा चुके, तो आपको तो अरे तो आप डच भाई हो, आपका पासपोर्ट कहाँ का है आप? बस फिर और किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका इटली का वीज़ा रिजेक्ट होके बैठा है। मैं एक बार इटली का अप्लाई किया था, मैं रिजेक्ट हो गया था जब मेरे इस पर कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, विच वॉज वेरी बैड। तो वही तो बहुत वैल्यू है, इसलिए आपको डच भाई बोल रहा हूँ, आपका पासपोर्ट डच है, आप डच भाई हो, आपको डच भी आती है। यूके तक का नहीं लेना पड़ता मुझे, यूके का क्यों नहीं लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता, यूके अलाउड है इसको जाने के, मैं नहीं जा पाऊंगा ना, मेरा शेंगेन वीज़ा है तो यूके यूरोप उसमें नहीं आता ना। हाँ ब्रेक्सिट के बाद नहीं होता ना। तो मगर हम लोग जा सकते हैं पर बिना वीज़ा। अच्छा मैं नहीं जा सकता ना शेंगेन पे, वेरी सैड, मेरे को जाना था लंदन। अब नहीं घूमो भाई से लंदन से। यूरोपियन फीलिंग तो है बहुत अच्छी, अब दूसरे शहरों में देखा जाएगा। हाँ चलो